जी सर, जहाँ पर जिस जमीन पर नियोजित शिक्षक बैठे हुए हैं वहीं से आंदोलन होगा, वहीं पर गर्दनी बाग बनेगा। ऐसा क्या कर दीजिएगा कि आज तक बिहार में हुआ ही नहीं है? धरना पर बैठेंगे हम लोग, तोड़ेंगे गेट को, तोड़ के जाएंगे विधानसभा। गेट को तोड़ दीजिएगा। हाँ, तोड़ेंगे गेट। दरवाजा बंद कर दिया है। बंद कर दिया गया है, हम लोग को निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। ये तानाशाही सरकार की है, ये सरकार जो चाह रही है कि हमारे भीड़ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यह कैद कर दिया गया है, जहां तक हम लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए लाइव सिटीज की टीम इस वक्त गर्दनी बाग पहुंची हुई है और यहां पर देख सकते हैं आप कि भारी तादाद में शिक्षकों का जुटान हुआ है। देखिए यहां पर शिक्षक पहुंचे हुए हैं, दूर दूर से पहुंचे हुए और काफी आक्रोशित है। तो आइए फिर इनसे बात करते हैं, आप लोग ऐसे क्यों छड़े हुए हैं, दरवाजा बंद है क्या? हम लोग धरना के लिए आए हैं, हम लोग 15 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद फिर सरकार कहती है कि बीपीएससी परीक्षा दीजिए, जबकि डिपार्टमेंटल इसके लिए एक अलग होनी चाहिए। ठीक है, कैसे क्यों चढ़े हुए हैं, दरवाजा बंद कर दिया है? बंद कर दिया गया है, हम लोग को निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। आप लोग को लॉक कर दिया गया? लॉक कर दिया गया, इधर से भी है और उधर से भी है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अरे तो फिर आप लोग का आंदोलन फिर क्या क्या होगा? आंदोलन हो रही है, हम लोग के जो मेन नेता है आनंद कौशल, उनको अरेस्ट करके ले गया गया है। आनंद कौशल जी को अरेस्ट करके ले जाया गया है। कहाँ रखा गया? थाने में होंगे, गर्दनीबाग थाने में होंगे। गर्दनीबाग थाने में होंगे। अच्छा तो अब क्या होगा, मतलब सरकार, आप लोग, सरकार तो कह चुकी है ना कि अब आप लोग से बात करेगी, मानसून सत्र खत्म होने दीजिए। नीतीश कुमार, विजय चौधरी ने ये बात कही है। उसके लिए तो माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा 11 जुलाई से पहले का समय दिया गया था, लेकिन इस पर सरकार ने कोई बातें नहीं की। तो आप तो कहा जा रहा है कि सत्र खत्म होने दीजिए, फिर आप लोग से बातें भी की जाएंगी? फिर सत्र खत्म होगी तब तक तो ऑनलाइन, तब तक तो आवेदन का भी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि सत्र खत्म होते ही आवेदन, मतलब फॉर्म भरना चाहते हैं? अब इसके पहले ना विचार करनी चाहिए गवर्नमेंट को, आप विचार कब करेगी? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है, हम नालंदा जिला से आए हैं। अच्छा। गर्दनी बाग के सरजमीन पर लाखों के तादाद में नियोजित शिक्षक अपने, वो तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ऐसे बंद क्यों हैं आप लोग? ये तानाशाही सरकार की है, ये सरकार जो चाह रही है कि हमारे भीड़ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वह मेरे मांग को पूरा नहीं करना चाह रहा है, इस वजह से आप लोग को लॉक कर दिया गया है क्या? बिल्कुल लॉक कर दिया गया है, हजारों के तादाद में शिक्षक उधर है। आंदोलन का क्या होगा, आप लोग तो यहाँ लॉक है, कहाँ से घेरा डालो होगा? जी सर, जहाँ पर जिस जमीन पर नियोजित शिक्षक बैठे हुए हैं वहीं से आंदोलन होगा, वहीं पर गर्दनी बाग बनेगा, लेकिन हम अपने हक लेकर रहेंगे, राज्य करने का दर्जा लेकर रहेंगे। ऐसे क्यों है भाई, क्या हो गया? हम लोग का मांग है बिना कोई शर्त का, हम लोग का राजकर्मी का दर्जा दिया। आप तो ठीक है, आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, गुस्से में भी है, लोग क्यों हैं? बिल्कुल गुस्से में है, क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार द्वारा हम लोग का आवाज दबाया जा रहा है चारों तरफ से, मतलब इस तरह का कैद कर दिया गया है, जहां तक हम लोग इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं। कैद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, सब तरफ से हम लोग का जो भीड़ थी, जो एक जो मजबूती थी, वो हम लोग को बिखराने के पूरा प्रयास किया गया नीतीश कुमार द्वारा और सर प्रशासन द्वारा, लेकिन फिर भी हम लोग चट्टानी एकता को दिखा के। कैसे कैसे, अब तो आप लोग लॉक हैं? बिल्कुल लॉक है, लेकिन फिर भी हम लोग जब तक तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे को पूरी नहीं कर लिया जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक हमारा नाम हुआ, नालंदा जिला से, नालंदा जिला से आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए ऐसे क्यों एकदम अंदर लोग उतरे? मैडम ये तो आप उनसे पूछे, पटना प्रशासन से और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से, उन्होंने शिक्षक एकता को तोड़ने का काम किया, हमारी बहुत चर्चित जो मांगे हैं पिछले 17 वर्षों से कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को। अच्छा, देखिए इस मामले में अपडेट ये है कि विजय चौधरी ने बोल दिया है कि नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि बातचीत होगी शिक्षकों से। नहीं, ये तो पिछले में 17 वर्षों से महागठबंधन की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ये धोखे हम लोग को दे रहे हैं, बार बार पिछले कई बार आंदोलन चरणबद्ध तरीके से किया हूँ, लेकिन किसी भी तरह का उनके बातों पर भरोसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो कैसे मानिएगा आप लोग? जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है, जब तक हम लोग आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। ब्रजेश नारायण यादव, आप लोग ऐसे जेल में बंद जैसे दिख रहे हैं, आप लोग को लॉक कर दिया गया क्या? गेट को सब दिन बंद कर देता है, गेट बंद करना तो कोई नई बात नहीं है, हम लोग सरकार के विरोध में आए हैं, ये हम लोग को सरकार राजकर्मी का दर्जा है, हम लोग 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब हम लोग को कहता है बीपीएससी का परीक्षा। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री विजय चौधरी ने कह दिया है कि आप लोग से बातचीत की जाएगी।
लॉलीपॉप दिखाता है, लॉलीपॉप दिखाता है। पहले भी तेजस्वी जी कहे थे मेरी सरकार जैसे ही बनेगी तो पहली कलम से आप लोग को राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, तो नहीं दिए, लॉलीपॉप दिखाते सरकार। आनंद कौशल जी को अरेस्ट कर लिया है, अगर उनको नहीं छोड़ता है ना तो हम लोग आंदोलन को और विस्तारित करेंगे। अच्छा, और बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसा आंदोलन आज तक बिहार में नहीं हुआ था, वैसा आंदोलन हम लोग करेंगे। ऐसा क्या कर दीजिएगा कि आज तक बिहार में हुआ ही नहीं है? धरना पर बैठेंगे हम लोग, तोड़ेंगे गेट को, तोड़ के जाएंगे फिर विधानसभा। गेट को तोड़ दीजिएगा? हाँ, तोड़ देंगे गेट को, विधानसभा जाएंगे गेट को। इतना गुस्से में है? हाँ, इतना गुस्से में मेरे नेता को लिया जा सकता है, क्या कीजिएगा? उसका भी हम लोग सामना करेंगे, आदमी कितना लोग कुर्बान हुए, बर्बाद हो जाएगा, कुछ बर्बाद नहीं होगा, हो गया सरकार को हम लोग बर्बाद कर देंगे, सरकार को। हाँ, सत्ता सरकार के नीचे फेंक देंगे सरकार। क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? अमित कुमार सिंह। अच्छा अमित जी, बताइए ऐसे चढ़े हुए हैं, बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? प्रशासन हमको रोक के रखा है, गेट बंद करके। आज गेट बंद कर दिया है आप लोग को? ये ऐसा हिटलर शाही ऐसे लोकतंत्र में नहीं होता है, जबकि हम लोग परमिशन लेके हमें उधर असम से खुद धरना प्रदर्शन करने के लिए आए, लेकिन सरकार ये भाजपा सरकार से भी ज्यादा हिटलर शाही करके और हम लोग को विधानसभा जाने से रोक रही है। अच्छा, क्या डर है सरकार को? आप लोग अगर विधानसभा पहुँच जाइएगा तो क्या कीजिएगा? ऐसा कोई डर नहीं है, केवल ये अपना तानाशाही है सरकार का, ऐसा डर का हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी आदमी है, हम लोग भी शिक्षक है, हम लोग भी इस राज्य के नागरिक है, हम क्या कर देंगे? हम ऐसा थोड़े हम जाके वहाँ विधानसभा को उड़ा देंगे, ऐसा तो है नहीं। डर किस बात का है सरकार? अब ये सरकार बताइए किस चीज से डर रही है? अच्छा, आप लोग भी तो लेकिन डर रहे ना, एग्जाम देने से डर रहे बीपीएससी का? ऐसा हम लोग कोई एग्जाम देने से नहीं डर रहे हैं ना, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग फॉर्म भरेंगे, हम क्यों फॉर्म भरेंगे? 20 साल हमने सेवा दिया है बिहार सरकार में, हमने 20 साल अपना समय बर्बाद किया है बच्चों के बीच रखे अपना, और हम परीक्षा देने जाए आज के बच्चों के साथ। डर लग रहा है क्या? ऐसा कुछ डर नहीं है, डर किस बात का? हम 100 परीक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन कितना परीक्षा दे? अभी तक 5-10 परीक्षा दे चुके हैं। विजय चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने साफ कह दिया रिव्यू होगा नई शिक्षक नियमावली का, तो हम लोग स्वागत करेंगे, हम लोग स्वागत करेंगे सरकार अगर धरना खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? विजय चौधरी ने ये बात कह दी है तो धरना खत्म? ऐसा कोई लिखित आश्वासन अगर उनके तरफ से मिले तो हम लोग धरना समाप्त करेंगे, समाप्त कर दीजिएगा धरना। लिखित अगर आश्वासन मिलेगा ठीक है। तो देखा आपने कि यहाँ पर शिक्षक है बहुत गुस्से में, काफी आक्रोशित है, और देखिए साफ कह रहे हैं कि इनके कुछ नेताओं को भी अरेस्ट किया गया है, साफ कहा है कि सबसे पहले उनको रिहा किया जाए नहीं तो फिर और बड़ा आंदोलन होगा। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है इस तरह के सभामंडी से। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा लाइव सिटी। जी सर, जहां पर जिस जमीन पर नियोजित शिक्षक बैठे हुए हैं वहीं से आंदोलन होगा, वहीं पर गर्दनी बाग बनेगा। ऐसा क्या कर दीजिएगा कि आज तक बिहार में हुआ ही नहीं है? धरना पर बैठेंगे हम लोग, तोड़ेंगे गेट को, तोड़ के जाएंगे फिर विधानसभा। गेट को तोड़ दीजिएगा? तोड़ देंगे गेट, दरवाजा बंद कर दिया है, बंद कर दिया गया है, हम लोग को निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। ये तानाशाही सरकार की है, ये सरकार जो चाह रही है कि हमारे भीड़ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यह कैद कर दिया गया है जहाँ तक हम लोग इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं।